नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार प्रदेश के नागरिकों को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रूप में तोहफा देने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 नवंबर को इसका उद्घाटन करेंगे। 340.8 किलोमीटर लंबी 6 लेन का यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। ये लखनऊ से शुरू होकर पूर्वी यूपी के गाजीपुर में समाप्त होगा। साथ ही राज्य के महत्वपूर्ण जिलों वाराणसी, अयोध्या, गोरखपुर और इलाहाबाद को लिंक रोड के जरिए आपस में जोड़ेगा। तो ऐसे में जनता के सामने कई सवाल हैं कि ये कैसा होगा, इससे क्या फायदा होगा। तो देखिए ये खास रिपोर्ट जिसमें है आपके हर सवाल का जवाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की शुरुआत करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश का ये चौथा एक्सप्रेसवे 340 किलोमीटर लंबा है। ये एक्सप्रेसवे लखनऊ से शुरू होकर गाजीपुर के हैदरिया गांव के पास खत्म होगा। ये लखनऊ से शुरू होकर सुल्तानपुर, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, बाराबंकी, अमेठी, मऊ और बलिया जिले से होते हुए गाजीपुर तक जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के शुरू हो जाने के बाद दिल्ली एनसीआर में रह रहे बिहार के लोगों को बिहार जाने का एक और रास्ता मिल जाएगा। इससे उनके पास समय और पैसे की भी बचत होगी। तो ऐसे में कई सवाल उठते हैं लोगों के जहन में कि आखिर ये एक्सप्रेसवे कैसा होगा, किस तरह से इसका इस्तेमाल होगा। तो आइए आज आपको हम पॉइंटर के माध्यम से समझाते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कब होगा? 16 नवंबर को सुल्तानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद इसे आम जनता के लिए आधिकारिक रूप से खोल दिया जाएगा। कितनी लागत से बना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लागत 22,494 करोड़ रुपए है, जिसमें अधिग्रहित भूमि की कीमत भी शामिल है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी? यह एक्सप्रेसवे 340.824 किलोमीटर लंबा है, जो कि लखनऊ से शुरू होकर पूर्वी यूपी के गाजीपुर में समाप्त होता है। क्या है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का रूट मैप? ये राज्य के 9 जिलों लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, अमेठी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर से निकलेगा। कितनी लेन का है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे? 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। 300 किलोमीटर की यात्रा केवल 3.5 घंटों में पूरी की जा सकती है। कुछ महीने बाद यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यूपी सरकार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को सरकार की एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश करना चाहती है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से राज्य के पूर्वांचल का राजधानी लखनऊ से सड़क संपर्क बेहतर हो जाएगा। एक्सप्रेसवे पे है 3 किलोमीटर लंबा रनवे। सुल्तानपुर जिले में इस एक्सप्रेसवे पर 3 किलोमीटर लंबा रनवे बनाया गया है, जिस पर लड़ाकू जहाज उतर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 नवंबर को ही 3:15 बजे यहां एयर शो को देखेंगे। ये एयर शो भारतीय वायुसेना पेश करेगी। सुल्तानपुर जिले में इस एक्सप्रेसवे पर 3 किलोमीटर लंबा रनवे बनाया गया है, जिस पर लड़ाकू जहाज उतर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां एयर शो देखेंगे और ये एयर शो भारतीय वायुसेना द्वारा पेश किया जाएगा। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे कितनी राहत मिल सकती है और अगर आने वाले समय में या भविष्य में कोई भी मुसीबत देश पर आती है तो ऐसे में ये एक्सप्रेसवे लड़ाकू जहाजों के लिए बेहतरीन साबित हो सकता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कितना टोल लगेगा? लखनऊ से शुरू होकर बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर जैसे पिछड़े जिलों को जोड़ने वाले इस एक्सप्रेसवे से 4 घंटे में सफर तय किया जा सकेगा। कुछ दिनों तक मुफ्त सफर रहने के बाद निजी कंपनी के जरिए टोल टैक्स वसूला जाएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कितनी स्पीड पर गाड़ियां चल सकेंगी? पूर्वांचल के इलाकों को जोड़ने वाले इस एक्सप्रेसवे के बनने से समय कम लगेगा, साथ ही रफ्तार भी बढ़ जाएगी। लेकिन इस एक्सप्रेसवे पर फर्राटा भरने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि इसमें स्पीड लिमिट तय की गई है। यहाँ गाड़ी की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। एक्सप्रेसवे से रोज लगभग कितने वाहन गुजरेंगे? अनुमान के मुताबिक एक्सप्रेसवे से रोजाना 15,000 से 20,000 वाहन गुजर सकेंगे। पशुओं की आवाजाही रोकने के लिए दोनों तरफ फेंसिंग की गई है। साथ ही पेट्रोलिंग वाहन और एम्बुलेंस की सुविधा भी मौजूद रहेगी। साथ ही सुल्तानपुर के कूड़े भार में इस एक्सप्रेसवे पर एयर स्ट्रिप भी तैयार की गई है, जिस पर वायुसेना के लड़ाकू विमान उतर सकते हैं।
कैसा है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे प्रदेश विकास की गति को भी तेज करने वाला साबित होने वाला है। राज्य सरकार की ओर से कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के बाद अब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर काम करना शुरू हो गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 301 किलोमीटर लंबा राजमार्ग होने जा रहा है। 7 पुल 18 फ्लाईओवर के साथ एक्सप्रेसवे पर एक हवाई पट्टी भी है। एक्सप्रेसवे पर 11 टोल टैक्स बनाए गए हैं। 13 इंटरचेंज का निर्माण कराया गया है। यूपी के किन इलाकों से गुजरेगा एक्सप्रेसवे। 301 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे लखनऊ सुल्तानपुर रोड पर चांद सराय गांव से शुरू होगा। ये बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर और मई से होकर गुजरेगा और गाजीपुर के हदरिया गांव में समाप्त होगा। एक्सप्रेसवे में गाजीपुर से लखनऊ के बीच यात्रा के समय को आधा से कम कर दिया गया है। अभी इस यात्रा में 10 घंटे का समय लगता है, जो अब घटकर 3.5 से 4 घंटे के बीच रह जाएगा। गाजीपुर से दिल्ली कितने समय में पहुंचेंगे। राष्ट्रीय राजधानी से होगी सीधी कनेक्टिविटी। एक्सप्रेसवे जिन शहरों से गुजर रहा है उन शहरों में राष्ट्रीय राजधानी के लिए सीधी कनेक्टिविटी भी हो जाएगी। एक बार पूरा होने पर यह गाजीपुर से दिल्ली तक केवल 10 घंटे की ड्राइव होगी। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहले से ही नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के जरिए दिल्ली से सीधे तौर पर जुड़ी है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को गाजीपुर से बिहार को जोड़ने के प्रस्ताव पर भी काम चल रहा है। क्या है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का रूट मैप। ये राज्य के 9 जिलों लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, अमेठी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर से निकलेगा। पहले लखनऊ से गाजीपुर के लिए लगते थे 8 घंटे, तो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने काफी समय पहले कहा था कि विकास बेहद जरूरी है और हमारी सरकार विकास पर काम कर रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इसका ही एक उदाहरण है। तो वहीं अखिलेश यादव इस पर योगी सरकार पर तंज कसते नजर आए हैं। यहाँ दूसरी बात ये भी है कि लखनऊ से बिहार जाने का एक और रास्ता इस एक्सप्रेसवे के जरिए मिल जाएगा, जो कि गोरखपुर होते हुए बिहार के गोपालगंज जिले में दाखिल होता है। ये नेशनल हाईवे पहले केवल 4 लेन का ही था। सरकार ने अभी से 6 लेन का बनाने की मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इस पर काम भी शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।